और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज जुम्मा है और हस्बे मामूल नजम सेठी साहब हमारे साथ हैं और आज उनसे बहुत ज्यादा तफसील में बात होगी, मुल्की हालात, हालात हजरा, पाकिस्तान की दाखली सियासत, बैरूनी पॉलिसियां जो हैं, और साथ में पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर भी जो इस वक्त के सिग्नल्स आ रहे हैं। सबसे पहले जो अहम खबरें आज की उनका भी एक बहुत ही मुख्तसर जायजा ले लेते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑडियो लीक थी मुबैना साकिब निसार साहब की, उसके फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दे दिया है। उसके अलावा जो है परवेज खटक साहब ने कल थोड़ी हल्की फुल्की बगावत कर दी अपने वजीर आजम और लीडर के खिलाफ, और एक मेडिकल बोर्ड भी सेटअप हो गया है नवाज शरीफ साहब की सेहत के को जांचने के लिए। इसहाक डार साहब जो के जिनको के हुकूमत मफरूर कहती है और बड़ी कोशिशें कानून शोन करके उनकी सीट खत्म करने का मामला था, वो उनकी सीट भी बहाल हो गई, अब उनको हल्फ लेना है अगले चंद महीनों में। और लाहौर हाई कोर्ट ने एफआईए को कहा है कि वो बशीर मेमन के खिलाफ इंक्वायरी भी रोक दें। अब ये सारी जो इशारे हैं इनका क्या मतलब है? नजम सेठी साहब का आज जो इदारिया है द फ्राइडे टाइम्स में, आप जरूर वो पढ़े thefridaytimes.com में, आपको उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर उनके बड़ी जो हालिया फैसले आए उन्होंने तफसील से उसका जायजा लिया है और उनकी तारीफ भी की है और ये भी कहा है कि किस तरह से अदलिया क्यों अहम है इस वक्त पाकिस्तान की मुल्की सियासत और बसात में और पाकिस्तान के शहरियों के हकूक का तहफ्फुज़ करने के लिए, जमहूरियत का तहफ्फुज़ करने के लिए। तो इन तमाम मौजूदात में हमारी बात होगी। आगे हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि जो एक आज ही जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, कौमी सलामती से मुतल्लिका एक पॉलिसी है, उसका बड़ा चर्चा हो रहा है कि पहली बार तारीख में एक पॉलिसी आई है। नजम साहब से उसका व्यू भी लेंगे कि वो उन्होंने इस पॉलिसी को पढ़ा है तो वो क्या देखते हैं, और ये कि क्या पाकिस्तान की कौमी सलामती की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद लोग, पाकिस्तान का प्रोग्रेसिव जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके नजदीक कौमी सलामती के क्या माने, हम इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सबसे पहले तो हम सियासी जो इशारे हैं, जो मुख्तलिफ जिक्सो पजल के पीसेज हैं, सेठी साहब वो क्या बता रहे हैं, क्या इतलात और क्या सिग्नल्स दे रहे हैं, ये आपसे जानते हैं, तो ओवर टू यू। सुरोगी साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ फोकस किस्म की कोई चीज जो आपकी तबीयत है इसी किस्म की? मैं तो आपसे सिर्फ यही पूछूंगा कि मुल्क में इस वक्त जो असल मौसमी जो दर्जा हरारत है वो तो बहुत नीचे तेजी के साथ जा रहा है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो तो बहुत कुतुब शुमाली की तरफ जा रहा है, कोई हिमालय की तरफ जा रहा है। तो ये जो तजाद है इसकी जरा वजाहत कीजिए कि क्या खिचड़ी हलीम क्या पक रहा है? अस्सलाम वालेकुम, अर्जी है जी के मैं सिर्फ ये पहले तो ये कहना चाहूंगा, बहुत से दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरी कुछ तबीयत पिछले चंद दिनों से कुछ नासाज थी तो उसकी वजह से दो तीन प्रोग्राम मैं अपने चैनल पे नहीं कर सका, लोग दोस्त परेशान हो गए, उनका ख्याल था शायद सेंसर कर दिया गया हूँ या ऑफ कर दिया गया हूँ, ऐसी बात नहीं थी, मैंने खुद ही अपनी सेहत को ठीक करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इंशाल्लाह आज जैसे आज हम जुमे के रोज नया दौर पे आ गए हैं, इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे वेंसडे चैनल 24 के ऊपर बिल्कुल हस्ते मामूल प्रोग्राम मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा आगे आइए, आपको याद होगा सुलगी साहब मैंने एक इदारिया लिखा था दो हफ्ते पहले या एक हफ्ता पहले कम जनवरी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो आपने बात कही कि मौसम तो बड़ा ठंड पड़ रही है मगर सियासी तौर पे गर्मी आने लगी है और जनवरी का महीना जो है बड़ा अहम होगा और यहाँ बहुत सी सियासी डेवलपमेंट्स आपको नजर आनी शुरू होंगी जिससे आप भी कुछ तबसरा कर सकेंगे, कुछ हालात पे जायजा ले सकेंगे और मामला जो है वो चल पड़ेगा। अब मामला क्या चल पड़ेगा, मामला कहाँ जाके खत्म होगा या किसी नतीजे पे पहुंचेगा, वो मैंने थोड़ा सा वेग छोड़ दिया था बिकॉज जाहिर है वक्त लगता है इन चीजों के अंदर, मगर मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि
जनवरी बड़ा इम्पोर्टेंट माह है, इसमें बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और अब आपने खुद ही कह दिया कि, और रजा भाई ने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या होने जा रहा है, जो कि शायद नवंबर दिसंबर में सोच भी नहीं सकते थे कि हालात इस इतनी जल्दी बेहतर होंगे या बिगड़ेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस नुक्ता नजरिया से आप इसको देखते हैं, किस फ्रेमवर्क में इसको देखते हैं, मगर हलचल हो गई है, शुरू हो गई है, और इसी की तरफ मेरा इशारा था। अब क्या इसके बाद आगे बात कहाँ जाके रुकती है या किस किनारे पे उठ बैठता है, इमरान खान साहब की हुकूमत सर्वाइव कर जाती है या इमरान साहब की हुकूमत सर्वाइव नहीं करती, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, और कोई इसमें छुपी बात नहीं होगी, खुली डेवलपमेंट्स होंगी, उससे आपको पता चलता जाएगा कि साइन पोस्ट जो है क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ कम हो रही है, कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमज़ोर हो रहा है, और फिर वहाँ से आप तजिया कर सकेंगे। सो मैं यही आपसे कहूँगा कि इस वक्त सारे सिग्नल्स यही हैं कि खान साहब की हुकूमत दिन ब दिन और मुसीबत का सामना इनको करना पड़ रहा है। और जिन चीज़ों का आपने अभी हवाला दिया, अगर हम एक हफ्ता पहले ये डिस्कशन करते तो ना उसके अंदर ये बात आती कि जी हाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस किस्म के दो तीन फैसले आ गए, इसी तरीके के साथ और भी रजा ने अभी जिक्र किया कि नई नई अनाउंसमेंट्स होनी शुरू हो गई हैं, फिर नई नई मुलाकातें शुरू हो गई हैं, कोई भाग दौड़ शुरू हो गई है, तो इस किस्म की चीज़ें अब आपको नजर आनी शुरू हो गई हैं। मुख्तसरन मेरा जो तजिया ये था और है भी कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि खान साहब जो हैं वो अकेले रह जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं होता रातों रात, वो तो एक साजिश हो तो होता है, मगर ये जो आवाम की साजिश है खान साहब के खिलाफ या खान साहब की साजिश आवाम के खिलाफ, वो अब एक कहीं ना कहीं जाके बैठेगी और उसका नतीजा एक निकलेगा। अब आपने देखा जुडिशरी में खड़े होने शुरू हो गए लोग, सवाल खड़े होने शुरू हो गए, इलेक्शन कमीशन खड़ी हो गई है, पार्टी के अंदर रिफ्ट आनी शुरू हो गई है, पार्टी की मेजॉरिटी 172 से ले या पता नहीं कितनी थी, 186 थी मेरा ख्याल, वो आ गई 168 पे या 172 पे आ गई, एंड सो ऑन। वो अभी जो कि ये बिल जो पास हुआ उसमें आपने देख ही लिया, और कितना मुलतवी करना पड़ा है अपने फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए, कितनी बगावतें छोटी छोटी आगे लगनी शुरू हो गई हैं, बगावतें होनी शुरू हो गई हैं, और ये जो जो सोच भी नहीं बता सकता था कि काबीना के अंदर एक मिनिस्टर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात कहें, और ये तो बिल्कुल बंदा सोच ही नहीं सकता था कि प्राइम मिनिस्टर नाराजगी में उठ के रुस के और बाहर जाने लगे कि जा फिर आप पे कर लो, और वही जो सियासतदान कहते हैं मैं रिजाइन कर दूंगा अगर ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो ठीक है जी मैं जा रहा हूँ। इस किस्म की बातें, ये शोज कंप्लीट क्राइसिस इनसाइड द गवर्नमेंट। पता नहीं है कि हम बिल भी पास कर सकते हैं कि नहीं, पता नहीं है हमारे दोस्त हमारे साथ हैं कि नहीं, पता नहीं है मेरी कैबिनेट के अंदर मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है, और कौन ये बातें लीक कर रहे हैं, और आवाम क्या सोच रही है, और सबको यही कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा करो प्रोपेगेंडा करो प्रोपेगेंडा करो, हकीकत की बिल्कुल तस्लीम करने की जरूरत नहीं है। और तो इस किस्म की जो चीज़ें चल रही हैं और आगे और देखेंगे आप, मैं ज़्यादा इशारे नहीं देना चाहता, लोग कहेंगे पता नहीं यार ये कुछ साजिश नहीं कर रहा, मगर कुछ बातों का मुझे इल्म है और कुछ बातें जो हैं वो उस ये जो फ्लो हो रही है इससे खुद निकलेगी आगे बातें, ये प्योरली एनालिटिकल टर्म्स में आपसे ये कह रहा हूँ। तो आप मेरे से ज्यादा डिटेल में आप मत जाएं, मैं अपने मौकफ पे पक्का हूं कि इमरान खान साहब ये क्राइसिस सर्वाइव नहीं कर सकते, ये बहुत डीप रूटेड क्राइसिस है, इसमें उन्होंने अपनी पार्टी का फेथ और ट्रस्ट खो दिया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ट्रस्ट और फेथ खो दिया है, अवाम का ट्रस्ट एंड फेथ खो दिया है, अपोजिशन का तो पहले दिन से था वो अब और दिलेर होने शुरू हो गए हैं, और मईशत की कोई चांसेस नहीं है इम्प्रूवमेंट के, ये जो हार्डशिप के चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं ये बड़ा वक्त लगता है इनका फल, उस वक्त तक बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कोई पॉलिटिशियन तैयार नहीं होता उस किस्म की कुर्बानी देने के लिए, और ख़ास तौर पर वो जो जिसकी किश्ती ऑलरेडी डामकडोल हो, तो ये सिचुएशन है। अब रजा अगर आप समझते हैं कि अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है तो वो बड़ी अच्छी बात है, अगर ट्रक की बत्ती भी किसी वक्त फ्यूज हो जाती है तो मैं ही आपसे यही कहूंगा कि इंतजार फरमाइए, और ट्रक की बत्ती अगर अभी जल रही है तो किसी वक्त ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी फिर फ्यूज भी हो जाएगी, ये भी मेरी पेशेंस है जी। अब सेठी साहब देखे ना आपने प्रीएम्प्ट कर लिया क्योंकि आपको पता था कि मैंने आपसे क्या कहना है, आप बड़े उस्ताद हैं, तो आपने कहा कि पहले ही मैं इसका काम खत्म कर दूं, अच्छा मैं लेकिन फिर भी बाद में आऊंगा, मेरी मेरी चिड़िया ने खबर दे दी थी कि रजा आपको प्रोवोक करेगा
और बिल्कुल अपनी तलवार निकाल के बैठा हुआ है और वो आपको कहेगा जी होना ही कुछ नहीं, वो पहले भी कुछ नहीं है, गल्ला ही नहीं, इमरान सारे सानू ट्रक की बत्ती के पिछे लाया है और जिदे ते तुसी उम्मीदा ला के बैठे हो वो तो वैसे ही खुले डुले ना इधर दे ना उधर दे, उन्होंने आपे नहीं पता कि वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं और उन्होंने कोल तो कंट्रोल है ही नहीं, कंट्रोल तो स्लिप हो गया है, कोई कोई कभी पिशावर ही चला जाता है, कभी पिंडी चला जाता है, कभी आजाद कश्मीर चला जाता है, कभी वो अमरीका चला जाता है। तो ये आपकी सारी जो थेरियां हैं ये मैंने प्रीएम्प्ट करने था आपको, उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ बातें हैं आपकी, बिकॉज आपके पास पेशेंस नहीं है, आप इंतजार नहीं करना चाहते कि फल पक के गिरे, ऐसे अगर आपने पके हुए फल फल को अभी पका नहीं और आपने ऐसे करके कर लिया तो शायद कोई कांटे शांटे ना लग जान, वो गिरन दे उन्हें इंतजार करो। सेठी साहब आपने जो है ना बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, बहरहाल मैं आता हूं, मैं कल आपको बताता कि फहद हुसैन साहब ने कल डॉन में एक मजमून लिखा, उन्होंने उसका नाम रखा डार्केस्ट आवर, देखे ना बड़ा मानी खेज टाइटल है। फिर सलमान मसूद ने नेशन में लिखा स्टेटस को और चेंज, एडिटर नेशन है। फिर बिजनेस रिकॉर्डर जो कि बड़ा अभी पिछले सालों में प्रो गवर्नमेंट रहा है, उन्होंने भी कहा कि जी इन हाउस चेंज वाज ऑन द कार्ड्स। अच्छा ये तो बात तो आपकी, आप सारे आप वाली बात कर रहे हैं बाय द वे, ये कोई ठीक है, एक कंसेंसस बन रहा है। और ये भी ऐड कर दें कि वो लोग जो समझते थे कि ट्रक की बत्ती पीछे हमने लगाया है सबको, उनके जो स्पोक्समैन हैं वो सारे के सारे यू टर्न ले चुके हैं। अभी डॉक्टर फरक सलीम साहब ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने 6-7 नाम लिए हैं, उसमें 6-7 और नाम भी ले सकते थे। मुझे किसी ने कहा डॉक्टर साहब भी 1 साल पहले यही बातें करते थे, मगर मैंने कहा डॉक्टर साहब जो है वो साइंटिफिक बातें करते थे और सही उम्मीद के साथ करते थे और फैक्चुअल बात करते थे और उनका हक था सपोर्ट करना, मगर उन्होंने अभी देख लिया है तो वो तो उनके ऊपर तो आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते, इज नॉट अ पॉलिटिकल गेनर और लूजर, वो तो जो हकीकत होती है उसको बयान करते हैं और इसीलिए। मगर वो ट्रक, मगर बात यह कि अगर डॉक्टर साहब जो है साल पहले देख रहे थे जो हम 2-3 साल पहले देख रहे थे तो नो प्रॉब्लम, मगर जो लोग आज कल पे दिसंबर और जनवरी के अंदर उल्टे होने शुरू हो गए हैं उनकी बात करें ना, इसलिए ये मतलब है कि सारे वेदर कॉक्स जो हैं दे आर ऑल अलाइन्ड नाउ। यदि कि गुड वन लेकिन सेठी साहब मैं इसमें मजीद ये कहना चाहता हूँ कि बल्कि हामिद मीर ने आसमा शिराजी के शो पे भी कहा, उन्होंने कहा कि जी और भी लोग इस तरह की बातें करेंगे और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी। फहद हुसैन ने कहा ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, ये लाइन पहले इस तरह से एक मीटिंग के अंदर जो परवेज खटक ने किया है उन्होंने एक रेड लाइन जिसे कहते हैं वो क्रॉस कर दी है, जहां पर उन्होंने कहा कि जी हम आपको लाए हैं और फिर खान साहब ने कहा अच्छा ठीक है मैं उठ जाता हूँ मुझे बदल दें, अलेजिडली जो बाहर रिपोर्ट्स आई हैं कि जी मुझे बदल दें वजीर आजम। लेकिन सवाल ये है, मेरा सवाल वहीं का वहीं मौजूद है कि ये इस वक्त जो देखिए मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इस पूरी शतरंज के, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक पीडीएम की जमातें हैं, एक पीटीआई के अंदर डिसग्रंटल ग्रुप्स हैं। देखिए उनको एक एक मेज पे एक एक क्या उसको बोलते हैं बोर्ड पे लाना, वो भी तो एक एक रिक्वायर्स सम स्किल। आपको पता है माजी में 90s में ये बड़ा फ्रीक्वेंटली होता था, 2-2 साल बाद 3-3 साल बाद। आज वो स्किल जो है लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ हुई हुई है, क्योंकि जो मिक्स सिग्नल्स पहले आ रहे थे, मैं भी जिनकी बिना पे आपसे थोड़ा सा अदब के साथ इख्तलाफ भी कर रहा था, वो इसी वजह था कि सिग्नल्स मिक्स्ड हैं। देखिए मैं आई टेक योर एनालिसिस वेरी सीरियसली ऑलवेज, कभी कभी थोड़ा आपको पता ना जमहूरियत बड़ी सी ऑटोनॉमी होती है ना। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मूविंग पार्ट्स जो ना वो अलाइन, मतलब वेदर कॉक ने तो कर दिया लेकिन अब ये इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ी महारत चाहिए और वो महारत जो है इस वक्त उसका थोड़ा सा मुझे आई फाइंड के इस वक्त थोड़ा से अंडर स्किल्ड है जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। शायद बदल जाए हालात, मतलब अगले 1-2 हफ्ते में 3 हफ्ते में, हु नोज। लेकिन अभी सेठी साहब ये थोड़ा सा है और इस्लामाबाद में भी अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि जी ये आगे आगे की गेम है। आपने भी पहले कहा था 2-3 हफ्ते से आप ये कह रहे हैं कि आगे आगे टपाओ 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 ताकि वो वक्त आ जाए कि फिर कुछ हो ना सके। तो अब ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कि वो जो वक्त आना है जो मार्च अप्रैल की एक
एक जिसे कहते हैं लाइन है, फिनिशिंग लाइन है इस नई अरेंजमेंट की, इस गेम की, क्या कौन पहले इस दौड़ में आगे पहुंचेगा? क्या खान साहब पहुंच जाएंगे या खान साहब को जो लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि उनकी छुट्टी हो जाए वो पहुंचेंगे? ये मैं आपसे चाहता हूं कि चलिए अब अब आप बड़ा मुझे पुश कर रहे हैं। ओके, मैं इसको तरीके से हैंडल करता हूं, क्योंकि मैं गेम भी तो नहीं देना चाहता, बताना चाहता ना ये तो, वो फिर खान साहब कहेंगे लो जी सेठी ने कह रहा मतलब यही होने लगा, अरे रोको। तो वो तो मैं पूरी नहीं डिटेल्स दूंगा आपको, क्योंकि जाहिर है अब हम तजियाकार जो है, अब ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग हम अगर एक सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे भी तो पॉलिटिकल व्यूज है ना, ये तो नहीं है हमारे पॉलिटिकल व्यूज नहीं है, हमारे भी पॉलिटिकल व्यूज हैं, तो वो तो फिर अब कुछ ऐसे कोई इतना इजहार कर दिया जाए जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए जो आगे डेवलपमेंट होती जा रही है। और बहुत सी बातें पता भी होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं और बताई नहीं जा सकती, वो सिर्फ तजिए में हेल्प करती हैं। तो अब आइए मैं दो तीन बातें, आपने कहा रेड लाइन, आपने कहा जी कुछ रेड लाइन्स आपने जिक्र किया कि रेड लाइन क्रॉस हुई है, किसने रेड लाइन क्रॉस की है आपने बताया था अभी? जी परवेज खटक साहब, परवेज खटक साहब ने वो बात कही है जो पहले नहीं कही थी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। हम आप और हम जैसे गुनाहगार तो रेड लाइन्स कब से क्रॉस कर रहे हैं ना, मगर हमारी कोई हैसियत नहीं थी। ठीक है, आज बड़ा मजा आता है जब हम देखते हैं कि कुछ और लोग भी रेड लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं और हमारा जो छोटी सी एक ग्रुप था वो बढ़ता जा रहा है, जो लोग जिन्हें कहते हैं रेड लाइन क्रॉसर्स। ठीक है, उसमें आप परवेज खटक का आपने जिक्र कर दिया। मैंने आज अपने इदारे में जस्टिस असर मिनरला का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ वो अब अच्छी खासी रेड लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं और बड़ी दिलेरी के साथ रेड लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि असर मिनरला के साथ कोई और जजेस भी अब शुरू हो जाएंगे रेड लाइन्स क्रॉस करना। मैं कब से कह रहा हूँ कि जुडिशरी के अंदर जब हवा बदलती है तो जुडिशरी भी फिर सोचती है कि किस किस्म के फैसले देने हैं, तो ये बातें सबको नजर आ रही हैं जो और इसीलिए जस्टिस असर मिनरला ने भी रेड लाइन क्रॉस किया है कि पहली दफा एक मिलिट्री के इदारे को जिस तरीके से उन्होंने खींचा है, मैं समझता हूँ दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। और मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत से ऐसे क्वार्टर्स के अंदर थरथली बढ़ गई कि यार है की कर दे मेरे जजेस, जज ने की करता, कल नू साढ़े दे आ जाएंगे, साढ़ा मैरिज हॉल बंद हो जाएगा। अगर नेवी को ये कहा जा रहा है कि आप इस किस्म के प्रोजेक्ट ना करें, तो ये इस किस्म के प्रोजेक्ट तो बाकी इदारे भी करते हैं, तो फिर उनके ऊपर क्या होगा? तो ये तो अभी एक अभी तो फ्लड गेट्स खुल सकते हैं इस चीज के, मगर ये पहली रेड लाइन है। और अब जब रेड लाइन क्रॉस हो जाती है फिर वापसी नहीं होती, वो एक प्रेसिडेंस बन जाता है। तो अब बात ये है कि तो मैंने तो असर मिनरला साहब को आज बड़ी इंकरेजमेंट दी है, गो अहेड, बड़ी जबरदस्त आप जो काम किया, मगर बहुत से और भी इसी किस्म के काम है, जरा और जजेस को भी खड़ा करें, उन्हें कहें कि ये चीजें भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, ये इंसाफ का तकाजा है, ये अवाम की तवक्को है, आप करती है अवाम के, आप इस किस्म के अच्छे काम भी करेंगे। और ये एलीट कैप्चर जो है इस मुल्क का, जिसका जिक्र बाय द वे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में भी आया, उसका भी हवाला भी है, उसको भी टैकल करते हैं अभी। तो बात यह है कि जुडिशरी के लिए अब बहुत काम करने वाले हैं और हमारी उम्मीद है कि ये जुडिशरी जो है ये खड़ी होगी और नेकी के काम करेगी और आवाम को इंसाफ देगी, एलीट्स को इंसाफ नहीं देगी, रूलिंग क्लास को इंसाफ नहीं देगी, एलीट्स को इंसाफ देगी, एलीट्स को इंसाफ नहीं देगी, अवाम को इंसाफ देगी, और इंसाफ होता ही वो है जो अवाम के लिए हो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने देखा ये जो रेड लाइन जजेस तोड़ने वाले हैं, मीडिया भी अब वापस आ रहा है रेड लाइन्स तोड़ने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए भी हैं, वो भी सोशल मीडिया ने रेड लाइन तोड़ी ना, तो आप देखिए अब आने शुरू हो गए, उनकी रिपोर्टिंग आनी शुरू हो गई है कि जी उन्होंने ये कहा और उन्होंने वो कहा और एंड सो ऑन। मरियम की ट्वीट्स जो हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है टेलीविजन के ऊपर, मियां साहब के बातें जो है वो डिस्कस की जा रही है। अरे भाई, वो तो कोर्ट ऑर्डर है कि आप तो इस काउंटर को कर ही नहीं सकते, कोर्ट चुप है। अभी तो अभी कोर्ट के आगे बहुत कुछ आएगा, अभी आप देखिएगा सही होता क्या है इस मुल्क के अंदर। तो इसलिए मैंने शुरू में जिक्र किया था सेठी साहब, फोरेंसिक ऑडिट का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक ऑडियो लीक जो मुबैना तौर पे जस्टिस साकिब नैसार साहब की आवाज थी उसके ऊपर बाकायदा तो ऑर्डर आ गया। पहले ये सब हम भी यही कह रहे थे, ऑडिट करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो रजा बड़ी, ये एक नई रेड लाइन तोड़ी है उन्होंने, उसकी वजह इसके पहले उन्होंने ये रेड लाइन के ऊपर क्रॉस मार दिया था जज साहब, उन्होंने कहा था नहीं मैं ये केस जो है ये कंटेम्प्ट का केस है, वो तो केस ही नहीं है कि उनको बुलाया जाए और उनकी फोरेंसिक कराई जाए, ये तो मैंने देखना ही नहीं है,
और उसमें अंदर एडवोकेट जनरल ने कहा था कि जी वो मीडिया को भी इंक्लूड करें, मीडिया को भी इंक्लूड करें, तो वो रेड लाइन जो थी वो भी उन्होंने अब काट दी और कह दी जी मीडिया को निकाल दें। और जज साहब ये कहते हैं कि ये तो अपनी जगह पे अब मैं फोरेंसिक ऑडिट भी कराऊंगा। तो 3 माह से या 2 माह से हम लोग लगे हुए कि फोरेंसिक ऑडिट कराओ, इंसाफ का तो यही तकाजा है। जो भी है, सही है गलत है, कराओ तो सही, मुतमईन तो करो सबको या झूठ है या सच है। तो ये तैयार नहीं थे, अब तैयार हो गए। तो इसलिए बात ये है कि ये है, दिस इज द मूवमेंट फॉरवर्ड। और आप आगे देखिएगा और भी इस किस्म के फैसले आएंगे जिसके साथ आपको लगेगा कि वो जो इंसाफ का तकाजा है वो बैलेंस की तरफ आना शुरू हो गया है। और क्यों? एक वजह, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट गई। सीधी सी बात। अच्छा, अब जो बात आती है जी, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट गई है तो खान साहब को छोड़ दिया कि जी पा रहे हैं आपके तोड़ो, नहीं है तो जाओ। क्या ऐसी सूरत हाल है? पर तो नहीं है ना यार, पर तो उस वक्त भी नहीं थे और अब भी नहीं है। अब तो जो थे वो भी काट गए हैं। अगर 3 साल में को बनाए थे वो खुद ही इन्होंने अपनी हरकतों के साथ खत्म कर दिए, काट दिए अपने अपने पर, तो वो तो खड़े नहीं हो सकते। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी तो वो कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा, ही फॉल बाय हिज ओन वेट, इनका इतना वजन भारी हो गया खाका के पीपी के कि वो अब गिर जाएंगे, ये खुद ही गिर जाएंगे, किसी को करने की जरूरत नहीं होगी, खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा पाँव इनके टांगे रह जाएंगी, पाँव रह जाएंगे और बगावत हो जाएगी इंटरनली और छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि देखते जाइए, गेम इज ऑन जी। ठीक है, ठीक है, नोटेड जी। सोलंकी साहब, ओवर टू यू। मैं सती साहब से ये पूछना चाह रहा था कि अगर बजट मंजूर नहीं होता तो हुकूमत गिर जाती, लेकिन बजट तो मंजूर हो गया और चले मान लें जी 172 वोट या 178 वोट जो उनके हैं वो नहीं थे, 168 थी, लेकिन जाहिर है उसके बावजूद वो तो अक्सरियत से है, वो उन्होंने कर दिया। फिर आज भी, इससे पहले भी एक मीटिंग थी जिसमें वजीर आजम कुछ वुजरा के साथ आईएसआई हेडक्वार्टर गए जहां पर आर्मी चीफ भी थे, इसका प्रेस रिलीज भी आया, हालांकि तस्वीर नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन बहरहाल वो रिपोर्ट हुआ। आज भी जब वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान हुआ तो ये तमाम लोग मौजूद थे। तो जो ताल्लुकात हैं वो तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो ठीक हैं, बजट भी मंजूर हो रहा है तो ये तो सब अच्छा है, ये फिर इसकी कैसे वजाहत करेंगे? अच्छा, अब आइए जरा मजे की बातें आपको बताएं। ये जो बिल है ना, आईएमएफ वाला और मिनी बजट वाला, एक दो और इश्यूज भी हैं जो रहते हैं, वो भी होने हैं अभी। ये ऑपोजिशन इसके खिलाफ है, ठीक है ना, ऑपोजिशन इसको अपोज किया है। अब अगर आज हुकूमत गिर जाती इससे पहले तो फिर ऑपोजिशन को आके ये करना पड़ता, ऑपोजिशन की लाइन उसी दिन पिट जानी थी, अवाम ने जूतियां निकाल के ऑपोजिशन की फिटाई करनी थी, लित्तर मारने थे इनको कि इमरान खान जो है वो उसने ये नहीं पास किया था, वो तो फिर डट गया था, आप आ गए और आपने आते सारी कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि एडवाइस दी गई थी यही कि इसको करने दें, ये इंतजार करें, ये कर ले फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने तो करना नहीं है और ये मुल्क की जरूरत है। ये बड़ा अनपॉपुलर सी चीज है, आप खड़े होकर शोर वोट डालें मगर रोके ना इसको, करने दें, शोर वोट डालें ताकि ये बदनाम हो और करने दें। इमरान खान साहब को इस बात का एहसास था कि यार शायद तेरे से मेरे लिए इसकी इंतजार ना हो रही हो कि ये मैं करूं तो फिर मेरी छुट्टी करा दें, तो उन्होंने डिले तो किया है ना, आपने देखा है पूरा 1 महीना डिले किया है। जो साहब 33 लॉज एक दिन में कर सकते थे क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट था, उन्होंने 1 महीना डिले किया इसको। और आईएमएफ के प्रोग्राम जो है, जो कि 11-12 तारीख को उनको एड मिलनी थी, अब कहते हैं जी 31 तारीख को आपसे बात करेंगे। तो खान साहब ने भी अपने आप को थोड़ा सा फोर्टिफाई किया कि अब नहीं करता तो मरता हूँ, करता हूँ तो नहीं, अगर मैंने सर्वाइव करना है तो ये मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो आईएमएफ मेरे गले पड़ गया और कल को एड खत्म होगी तो बैंकरप्सी अनाउंस होगी तो वैसे ही मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो ये तो करना तो है मुझे, और अगर नहीं करता तो मैं मर जाता हूँ। तो इसलिए डिले करो, देखो
कि क्या इसकी सूरत हाल बनती है, तो उन्होंने महीना खींच लिया, आगे नहीं खींच सकते थे ज्यादा। पहली बात ये, उससे पता ये चल जाता कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, तो फिर शायद और ही कोई इकदाम ना हो जाते। तो एक तो ये बात है, मेरा ख्याल है ऑपोजिशन बड़ी खुश है कि इन्होंने पास किया है। ऑपोजिशन इसको 10 दिन और खींचना चाहती थी, खींच सकती थी, नहीं किया उन्होंने, शोर शराबा करके और क्या, जाओ कर लो पास कर। उधर से उनके जो वोटिंग स्ट्रेंथ है वो गिर गई है, वो भी इंडिकेशन आपको आ गई है कि, और एस्टेब्लिशमेंट ने चुप कर गए, लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को पूछा जाइए या ना जाइए, चुप, जाना जाओ नहीं जाना ना जाओ। कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोगों ने कहा चलो चले जाते हैं, अभी ना नहीं किसी ने कहा, करो ना, ये नहीं कहा कि ना जाओ, चलो अभी जब जब तक ये नहीं कहेंगे हम नहीं हम जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो भी आपने देख लिया कि एक तरफ गिर भी रहा है और चले भी गए, और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है कि ये पास हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके कोई प्लान्स चेंज हो गए और उनकी सोच खान साहब के बारे में चेंज हो गई। खान साहब ने एक बड़ी चलाकी की है, खान साहब ने सोचा हूं मैं की करा, कुछ थोड़े बहुत बिल्डअप रिलेशंस करने चाहिए, जिस तरीके से मैंने ISI के नए चीफ के साथ मिस हैंडलिंग की है और बिग चीफ के साथ मिस हैंडलिंग की है, कि थोड़ी बहुत मरम पट्टी करनी चाहिए। तो ये जो दावत आई है ISI की तरफ से कि आइए आइए आइए, अरे भाई अभी पिछले महीने तो ब्रीफिंग हुई है, उनको नई डेवलपमेंट होगी तो ब्रीफिंग दी जरूर। ये कोई ऐसी ब्रीफिंग है, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग फलाना डिंगड़ा, जिसके अंदर मैप्स है, ये नई क्राइसिस सिचुएशन, अरे भाई नहीं, कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई और नेशनल सिक्योरिटी इन द लास्ट 30 डेज। तो खान साहब ने ये इन माई व्यू इन्विटेशन फिश किया था कि मैं आना चाहता हूँ। अब वो क्या जाना चाहते, जाहिर है अगर वो कहें तो DGISI को कहें मैं आना चाहता हूँ ब्रीफिंग के लिए, तो वो कहेंगे आ जाए जी बिल्कुल हम आ जाएं, और अगर वो आएंगे तो फिर आर्मी चीफ को भी वहां होना पड़ेगा, तो आर्मी चीफ भी वहां पहुंच गए। फिर वहां ब्रीफिंग शीफिंग कोई नहीं हुई, दैट वॉज जस्ट अ कवर अप। खान साहब मौका ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके के साथ आर्मी चीफ के साथ भी थोड़ी सी सलाम दुआ ठीक से हो जाए, वो जो नाराजगियां हैं और कुटियां हुई हुई हैं थोड़ा सा जरा उधर, और चेक करें कि कितनी नाराजगी है। वो टेम्परेचर चेक करने गए थे वहां, और अपनी तरफ से कुछ थोड़े से अश्योरेंसेस भी देने गए थे, खसियाए हुए थे वो, गए थे इस काम से। क्या वो कामयाब हो गए, ये जो अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की और वहां बैठा दिया एक दूसरे को, अच्छा डो परे यार जान दो जान दो बेटी साहब और जान दो यार, वो खुदा का खौफ करो यार, वो सानू वो बनाया है तुसी, और मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता ना 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 ही करा दे, अच्छा असि वो नहीं हैगे, हां ना ही वो हैगे ने, वो ए ना समझो कि सारे वही ने, नहीं वो नहीं हैगे, कोई सब नु पता है की हो रहा है की नहीं हो रहा, इतने गेम तो गेम चल रही है, NL आया है, दिल आया है, पुकरे है, फ्लश है, सारी गेम चल रही है जी इस वक्त। यह गल थोड़ी सही है दादा, एक गल तुसी बड़ी परेपाई दी कीती अज बड़ी जबरदस्त, तुसी कहे यार गल है कि इहो जिहे जिहड़ी हरकतां हुंदियां ने चलाकियां, या वो चलाकियां, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वो चलाकियां, वो जो चलाकियां होती है वो आमतौर पर ISI करती है, MI नहीं करती। अब वो ISI वाले वो जो करते थे वो तो रहे नहीं, वो तो इधर उधर हो गए, अब जो नए साहब आए हैं वो जरा थोड़े से कतराते हैं इस किस्म की चीज करने के, तो कह यार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपराइट सोल्जर, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इदारा ही ऐसा है जहाँ उसके बगैर काम नहीं चलता। और वहां पैकिंग हुई भी थी उन लोगों की जो के एक्स के अपॉइंटी से दोस्त यार थे, करीबी लोग थे, अब उनको किसी को छांटी करनी है, किसी को वो ओवर करना है, किसी को समझाना है कि अब वो पॉलिसी नहीं रही, अब ये रही है, वो कर, वक्त लगता है, ट्रांजिशन लगती है। तो उसमें आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जिस इदारे के जरिए हल्की सी तब्दीली के इशारे आने आगे, वो इदारा अभी थोड़ा सा अपने आप को रीग्रुप कर रहा है, रीओरिएंट कर रहा है, री सब कुछ कर रहा है, और उस वक्त तक वो बिल्कुल पोकर फेस्ड होगा, पोकर फेस्ड, पोकर फेस उसको कहते हैं, उसके शक्ल से सूरत से इशारों से कुछ आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए जब समझ नहीं आती तो लोग कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे ला चढ़िया सामने, तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ दिस इज पार्ट ऑफ द गेम प्लान, कि ट्रक की बत्ती उस वक्त तक जलती रहेगी जब उसको स्विच ऑफ नहीं कर दिया जाएगा। तो ये जो ट्रक की बत्ती है ये बड़ी कॉन्शियसली लगी हुई,
और इसलिए खान साहब परेशान हैं। अब आपका ख्याल है, आपने खुद ही कह दिया कि खोखर साहब ने, खटक साहब ने रेड लाइन ब्रेक कर दी। अरे भाई कोई छोटी बात है, और है भी वो डिफेंस मिनिस्टर। होए 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 होए, और उनकी मेरा ख्याल है नजरें लगी नहीं है कि अगली जो ये डिस्पेंसेशन आ रही है उसके अंदर केपी का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। हाँ जनाब, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑप्शंस कंसिडर हो रहे हैं उसके अंदर उनका भी नाम है केपी चीफ मिनिस्टर। ओहो ये तो हेडलाइन है। हाँ तो लोग अपनी लगे हुए हैं सारी काम करने। खान साहब को भी पता है इस बात का, खटक साहब को भी पता है, उधर बिग बॉस को भी पता, सबको पता है। और हम बाकी जो जिनको नहीं पता उनको रजा रूबीज बता रहा है कि ये हो रहा है। तो इसलिए सिट बैक एंड एंजॉय द शो। बिल्कुल ठीक है सेठी साहब, लेकिन ये जवाबी कार्रवाई भी तो हुई। उन्होंने मेडिकल बोर्ड कह रही थी नवाज शरीफ की सेहत की बिना पे वो मुल्क से बाहर गए थे, तो पंजाब हुकूमत ने जो है ना उसको अब रिएक्ट किया है, उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया है, उसका भी जरा बताइए मुझे थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। पहले आपने देखा ना कि कितनी बड़के मार रहा था फवाद चौधरी, कैसे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो सब गायब हो गया गिरफ्तारी शारी। जो इन्होंने जो नोट इशू किया है वो तो ये है एजी ने कि जी वो मेडिकल बोर्ड बैठा दिया जाए और वो उसको चेक कर लिया जाए कि जी वो क्या है क्या नहीं। आपका ख्याल है ये रातों रात हो जाएगा या उस बोर्ड की कोई अहमियत होगी? क्या उस बोर्ड की लेके जाएंगे अदालत के पास और अदालत को कहेंगे ए अल्लाह जी आ गया और तुसी कुछ करो? अदालत की कर सकती? अदालत ने जो करना सी कर बैठे, मियाँ साहब बाहर बैठे ने, मियाँ साहब आन गए जिदों के फिर सारा कुछ ही कुछ और ही होएगा। तो इसलिए ये नाइदर है नो देर, इसकी कोई अहमियत नहीं है पंजाब गवर्नमेंट की या पंजाब गवर्नमेंट के मेडिकल बोर्ड की, मीन्स नथिंग। ये सिर्फ दिखावा के लिए है कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं। भाग पहले तो कहते थे हम इंटरपोल को कह कर बुला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम अभी दे रहे हैं फाइल, अभी बारह मुआहदा हो रहा है। आपने याद है आपको ये सारे लगे हुए थे ये कहने। अब जाके मतलब है कि हाथी की गल की थी चूहा निकलिया बिचू, तो जी मेडिकल बोर्ड बनाने लगे। तो इसलिए सॉरी, इसमें कोई अहमियत नहीं है और नॉनसेंस एंड बुलशिट। आगे आइए, आगे क्या सवाल था कि अदालतें। अब आप देखिएगा मरियम नवाज शरीफ का केस आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, मेरा ख्याल है अगले एक दो दिन में आ रहा है। तो आप देखिएगा कि वहां किस किस्म की डिबेट होती है और डिस्कशंस होती है। ठीक है, 17th को है गालिबन उसकी तारीख, तो 17th को जरा गौर करके रखिएगा कि वहां बहस क्या होती है, इनके वकील क्या कहते हैं, नैब वाले क्या कहते हैं और जज साहब क्या कहते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो है वो अब तैयारी हो रही है कि जी केसेस दोबारा एक्टिवेट करके उनको करें। कल परसों गवर्नमेंट की तरफ से आई बात कि जी वहाँ भी उनकी उनको टाइट करने की पूरी कोशिश जारी है। वो जाहिर बात है ही इज अ थ्रेट इन हालात में, बदलते हालात में जेल में होगा तो फिर अल्टरनेटिव मुतबादिल नाम कैसे पहुंचेगा जहाँ पहुंचना है। तो ये विल दे बी, ये आपके ख्याल से हो सकेगा, सक्सीड हो जाएंगे ये? देखिए मैंने पहले कहा था, एक वक्त हुआ को 2 महीने पहले मैंने कहा था इनकी कोशिश पूरी होगी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना, बिकॉज ही इज द मेन थ्रेट। मेरा ख्याल है मैंने ये भी कहा था वो हो भी जाएंगे, मगर अब मैं समझता हूँ कि अब हालात बदल चुके हैं। अगर होना होता तो महीना पहले कर लेते, अब हवा बदल गई है, अब अरेस्ट करना बहुत मुश्किल है, और अगर कर भी लेंगे तो बेल हो जाएगी उसी वक्त। ये मैं आपको बता दूँ, अरेस्ट करने में तो कोई देर नहीं लगती ना, पकड़ ले जाओ अरेस्ट हो गया, बेल ड्रैग ऑन करती है। तो मेरा ख्याल है इन हालात में इट्स नॉट पॉसिबल कि शहबाज शरीफ साहब को आउट ऑफ एक्शन कर दिया जाए। ऑलरेडी इज बैक इन एक्शन और अब मैं समझता हूँ फ्रंट फुट पे खेलेंगे वो। करेक्ट करेक्ट। तो फिर बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो आजकल बड़ी फिर हवाओं में, आपको पता ना उनकी वो बड़ी ऑर्डर्स वाली उनकी एक जेस्चर होता है आजकल, वो वैसे भी बड़े एग्रेसिव हुए हुए हैं, सही ओपोजिशन लीडर का रोल अदा कर रहे हैं कोई 3-3.5 साल के बाद। उनको भी ख्याल आया कि ऑपोजिशन भाई वो जाहिर है हवा बदलती है तो सबको ख्याल आने शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए सोलंकी साहब आपका कोई सवाल है तो प्लीज वो करिए, नहीं तो मैं नेशनल सिक्योरिटी के मामले की तरफ। मेरे ख्याल में हम आज जो मौसम का जो ताजा तरीन फल है
वो कौमी सलामती पॉलिसी है था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आज आ चुका है, जिसके बारे में हमारे कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब बड़े दावे कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी हमने कोई 500 लोगों से वो मुशावरत की है और जी ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला दस्तावेज है। तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, तो सेठी साहब ने भी देखा होगा, और इस पर हम मजीद भी सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे। लेकिन सेठी साहब ने आज पकड़ाई दी है, तो उनसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक गाले जी, मैं मोटी मोटी बातें करूंगा, आप डिटेल में फिर आप कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को बता लीजिएगा। इसमें लिखा है जी कि मैं 120 एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया, 500 से ज्यादा स्पेशलिस्ट को किया, सिविल सर्विस वगैरह वगैरह आवाम को भी कंसल्ट किया, यूनिवर्सिटीज में गए, कॉलेजेस में गए, वहां जाके लोगों से बातें की वगैरह वगैरह, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान, अल्लाह रहम करे। अच्छा, तो अब बात यह है जी के, और 7 साल से ये काम ये एक्सरसाइज हो रही थी। पहली बात तो यही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7 साल से ये एक्सरसाइज हो रही थी। 7 साल पहले जिस शख्स को बनाया था, ही वाज़ द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कैबिनेट कमेटी, एम्बेसडर सादिक साहब। एम्बेसडर सादिक उसको आपको याद होगा, जो हमारे सफीर रहे हैं अफगानिस्तान में, एंड अब भी ही इज अ पॉइंट पर्सन ऑफ अफगानिस्तान। वो सेक्रेटरी थे इस कमीशन के, और वो फिर उन्होंने वो घूमे थे सारे पाकिस्तान में। तो आपके खादम के पास भी वो सलाम दुआ, एक कप चाय पीने आ गए कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आपकी भी इनपुट ले ली। मुख्तसरन ये कि घंटा बैठे रहे मेरे साथ, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इज अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन, टॉप प्रोफेशनल, वेरी नॉलेजेबल अबाउट अफगानिस्तान। तो आपका क्या ख्याल है, वहाँ हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्कस की या कुछ और डिस्कस किया होगा, आपका क्या ख्याल? तो अगर मेरे जैसे लोग, एक मिनट भी हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं डिस्कस की, और हमने और बहुत उससे ज्यादा अहम बातें की, और उनको भी एहसास था कि ये एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो बन जाएगा, बस मैंने मिल लिया सेठी साहब को, नाम डाल देंगे इनका कि इनसे भी बात हो गई, और यही हमने, मैंने कहा मेरा ना पाओगे ओवर की करिए पाना ही पैदा, मगर ये तो फॉर्मल कॉल तो मेरी है, मैंने कहा ऐसे ही वो बाकी भी उन्होंने कॉल की होंगी। ये जो डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद जिन लोगों को इन्होंने कंसल्ट किया है या बात की है, मैं आपको एक बात बताऊं, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट इन अ ब्रिटिश और अमेरिकन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है, बिल्कुल यही डॉक्यूमेंट। और अगर आप जावेद जब्बार साहब के पास चले जाएं, जिन्होंने मिल्लत पार्टी की मैनिफेस्टो लिखा था या उसमें इनपुट दी थी, तो मेरा ख्याल है वो मैनिफेस्टो निकाल लें और वो इसके साथ कंपेयर कर लें, या किसी और सियासी जमात का मैनिफेस्टो निकाल लें, अंग्रेजी खराब होगी, बाय द वे उसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी मिल्लत पार्टी वाली, मिल्लत पार्टी बेचारी पार्टी तो बन गई ऑन पेपर मगर वो चली नहीं, बैठ गई फारूक लगारी वाली 1999 की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं 99 में फारूक लगारी साहब बाहर थे ना, तो फिर उन्होंने मिल्लत पार्टी बनाई, तो उसका डॉक्यूमेंट की अंग्रेजी बहुत अच्छी है और उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, और इससे भी ज्यादा अहम बातें लिखी हुई हैं जो शायद आज हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, जो इसमें नहीं है, इसमें अवाम कहीं नहीं है, इसमें वो एलिफेंट जो है ना वो कहीं भी नजर नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत से यहाँ मसले बने हुए हैं, मसाइल बने हुए हैं, और वो जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है वो भी यहाँ नजर नहीं आता, वो टेररिज्म के खाते में आ जाता है, मगर कल्चर और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में नजर नहीं आता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसकी बात अब हम कर सकते हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द कोर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अरे भाई ऐसे लगता है कि आपने कोई रॉकेट साइंस डिस्कवर कर ली, ये तो कोई 20-30 साल से हम कहते आ रहे हैं कि मईशत नहीं चलेगी तो बह जाओगे कर्जे ले लगे फौज ने खुआ खुआ के और लड़ाइयाँ कर करके मर जाओगे, फौज ने खुआओ लड़ाई ना करो, ऐसा काम करना कि लड़ाई करके या लड़ाइयाँ झगड़े लेके फिर सारा कुछ ही बह जाएगा, तो अगर खड़े होना तो अपने पैरों से खड़े हो, वो आज तक हुआ नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन कौन करता था और बनाता कौन था,
एस्टेब्लिशमेंट बनाती थी उसके अंदर सबसे पहला उनका अपना इश्यू होता था कि हमें इतना बजट मिलना चाहिए और हमने हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ और वो हमने बरकरार रखनी है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया दो दफा, क्योंकि वो करना चाह रहे थे, बात आगे बढ़ाना चाह रहे थे। अब जाके समझ आइए दाने दाने बुक अमरीका दौड़ गया है जोड़े पैसे दे सकते, हूँ पसूड़ी पै गई है। इकोनॉमिक्स ने कोर बनाता गया जो कि असं 10-20-30 साल पहले रोंदे सा कि खुदा का खौफ करो, ऐ करो ये ना करो जो तुम करते थे। अब हमें बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक पाए जो है वो जो केक है ना वो बड़ा छोटा रह गया, सब पेट नहीं भरते पे साड़ी एलीटा दे, ते वो पैसे वहां वास्ते पैसे नहीं रहे, तो हूँ की करिए, पहले पैसे पहले भी नहीं थे मगर अब तो बिल्कुल ही रोटी पानी बंद हो गया बेचारी वहां, क्योंकि आपने अपने फैट काउस को आपने फीड करना। तो अब बात यह है कि अब वो इकोनॉमिक पाए बढ़ाई जाए, इकोनॉमिक पढ़ाए पाए बढ़ाई जाए, वो भी कैसे बढ़ाओगे तुम और क्यों, वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को भी तो हमने खिलाना पिलाना है ना, कोट अनकोट लिखा हुआ है, और साथ उसने अपने एडिशनल सिक्योरिटी बनानी, अवाम को भी तो कुछ देना है ना, अवाम नहीं खुश होंगे तो मारे ना जाए, बगावतें ना शुरू हो जाए, सेपरेटिज्म ना शुरू हो जाए, एक्सट्रीमिज्म ना शुरू हो जाए। अब होश आ रही है जबकि पानी सर पे यहाँ पहुंचा हुआ है और 7 साल से इसके ऊपर डिलीबरेशन हो रही है तो उस 7 साल के अंदर पता नहीं कितने मुआहदे कर बैठे हैं एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के साथ और कितने लोगों को एंटेगनाइज कर चुके हैं और जिहादे कितनी सपोर्ट कर चुके हैं और रीजन के अंदर क्या इंस्टेबिलिटी हो चुकी है। दिस इज ऑल नॉनसेंस एंड बुलशिट, क्योंकि अब हमें गोली फिर दी जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये एक पार्टी का मैनिफेस्टो और इसमें कोई फर्क नहीं है, ना वो इंप्लीमेंट होता है तो ना ये इंप्लीमेंट की। अभी मैं ट्विटर देख रहा था, कोई कह रहा यार नेशनल एक्शन प्लान भी बने उधर की होया, वो फलानी पॉलिसी बनी सी उदा की होया, वो यदि इमरान खान की मैनिफेस्टो सी वो पॉलिसी बनी सी उदा की होया, एदा की होएगा। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन 10 लोग भी नहीं है नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन कमाल कर रहे हैं यार, और वो ये पॉलिसियां बना रही है तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन, मैंने पढ़नी पड़ गई बिकॉज आपने कहा था कि डिस्कस करना है। आई वाज शॉक्ड, कहते हैं जी बाय इन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, अरे भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक होल्डर्स कहाँ गए, जो प्रोविंसेस हैं, जो अवाम है, जो लेबर है, जो खवातीन है, वो स्टेक होल्डर्स कहाँ गए। आप ये सिंगल नेशनल करिकुलम और इस किस्म की चीजें करके आपका ख्याल आप नेशनल यूनिटी बना रहे हैं, जितनी यहाँ स्प्लिटिज्म है इस मुल्क के अंदर कहीं नहीं है, अब क्या कर रहे हैं आप। और जनाब ये वर्ड पे हो रहा है और अपने रोटियां रोटी पानी बन रहे हैं, अपनी तनख्वाहें बन रही हैं यहाँ, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माई फुट, शर्म आनी चाहिए इनको। एक अंडर ग्रेजुएट का जो जो पेपर होता है जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स, वो हमारे लिए हमारे आगे के खड़ी कर दिए। इसको करे तो तर्जमा इसका उर्दू में और मैं देखता हूँ कि क्या लोग चीखे मारेंगे कि यार की लिखता है, दुनिया जान की सोशियोलॉजिकल जार्गन फेंक दिए। ये तो कोई थिंक टैंक जो है, अगर कोई अमरीका में थिंक टैंक हो इसको देखे और यार आई कुछ अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर वर्क, और बड़े लोगों की शुक्रिया अदा किए जा रहे हैं, पता नहीं कितनी इनपुट हो गई है, पता नहीं हमने क्या कर दिया। ओ खुदा का खौफ करें हमें वो ना बनाए जो आप समझते हैं कि हम हैं, प्लीज। अच्छा तो सेठी साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहूंगा कि ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे जो कल मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा कि दुनिया भर में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है वो कॉन्फिडेंशियली रखी जाती है, जो स्ट्रेटजी होती है वो पब्लिक में आती है, मुझे ये आर्गुमेंट दिया गया। मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी का क्या है, उन्होंने कहा जी अमरीका में भी जो है वो नहीं सामने आती, सिर्फ स्ट्रेटजी सामने आती है। फिर दूसरी बात आपने खुद जिक्र किया कि अगर इस वाली डॉक्यूमेंट में बाय इन है हमारी मिलिट्री का, और तो फिर इसका ये मतलब हुआ ना कि इसकी फिर एक जो असल स्टेक होल्डर है कोट अनकोट उसका बाय इन तो है ना, बैकिंग है। पहले वाली पॉलिसियों में रहा है कि नहीं रहा है वो हमेशा एक डिबेट रही है, तो आप उसको इस एंगल से अगर देखते हैं तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड तो है, चाहे नन्ना मुन्ना स्टेप ही क्यों ना हो। ये नन्ना भी नहीं है मुन्ना भी नहीं है, दिस इज अ कंस्पिरेसी। ये मैं आपको बता दूं, यही चीज पहले भी चलती आ रही थी। आप जाएं ये अटेंड करें नेशनल यूनिवर्सिटी जो है डिफेंस यूनिवर्सिटी, जाए ना कभी वहां तो आपको पता चलेगा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वहां बनती है, वहीं डिस्कशंस होती हैं और वो बाहर नहीं आती डिस्कशंस, वो इंटरनल डिस्कशंस होती हैं जहां खुल के कोई बात होती है। और ये जो सिविलियंस के साथ बैठ के बनाई जाती है, और ये तो खैर किसी सिविलियन के खाते में डाल दिया बेचारे का
हिम्मत नहीं है कि वो असली बातें जो है उसकी तरफ आए। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, नाम लिया ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, अरे भाई आप कहे ना मिलिट्री सिक्योरिटी, आप कहे ना जो मिलिट्री की जो सिक्योरिटी एंगल्स हैं जो उन्होंने बनाई भी है, यूज कन्वेंशनल वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, फलाना वॉरफेयर, फलाना वॉरफेयर, फलाना, जिसके लिए पैसे चाहिए, बात करें ना उनकी, नहीं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, अरे भाई खुदा का खौफ करो। और फिर अवामी अवाम को हमने पेट भरने, अभी बता तो दो कैसे भरोगे, बता दिया है सेठी साहब, बता दिया है कि लंगर खाने, सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम इस डॉक्यूमेंट में लिखा है। हाँ बस वही हो ना, जो पैसे बच जाएंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे ऊपर खर्च करके, जिसकी पेट जो है वो बहुत बड़ा है और उसको और भी देना है हमने, उसके बाद फिर जो बच जाएगा वो क्रम्स जो है वो हम लंगर खानों पे लगा देंगे। अच्छा, मैं एहसास कार्ड की बात हो रही है, रजा आप बड़ी मजेदार को बात बता रहे थे कि क्या हालात है इसके। नहीं जी बिल्कुल, मैं एहसास कार्ड पे तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं इसमें जरा सी थोड़ी सी एक अनकन्वेंशनल बात करने लगा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ बातें जो कही है पिछले 1.5-2 साल में, जियो इकोनॉमिक्स, नॉर्मलाइजेशन इंडिया, रीसेटिंग रिलेशनशिप विद द वेस्ट, पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क बनाना, मेरे ख्याल से तो इन मामलात के ऊपर, इन पॉइंटर्स के ऊपर तो जनरल बाजवा साहब का, मैं तो उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर वही पॉइंट्स को लेकर ये डिवीजन और वजीर आजम साहब और काबीना इन्हीं को मजीद एक्सपेंड करते, कुछ कंसल्टेशन करके, जैसे आपने कहा सूबों से, खवातीन से, दीगर जो तबके या हल्के हैं, तो ये एक अच्छा खासा एक विजन बन सकता है पाकिस्तान का। मुझे समझ नहीं आती कि एक स्टेप आगे जाते हैं फिर 2 स्टेप पीछे आते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम में हर जगह पे बैठ के यही कहता हूँ कि जनरल बाजवा ने जो बातें की हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही। मैं कहता हूँ इमरान खान नहीं बढ़ाना चाह रहे, नवाज शरीफ यही काम करना चाहते थे, मगर उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि उनको फारग करना था, अब जाके वही पॉलिसीज इख्तियार करना चाह रहे हैं। तो मैं तो अग्री करता हूँ कि सही कह रहे हैं जनरल साहब। अब बात यह, और ये भी जो उन्होंने नई बात की है, जो एक्चुअली सही बात की है, जो इसके अंदर थोड़ा सा उसका इशारा आता है, वो उनके लफ्ज़ बड़े वाज़े थे और स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ थे, यहाँ तो बड़ी विशी वाशी तरीके के साथ, रीसेट द रिलेशनशिप विद द वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये है कि उनकी उसकी अहमियत जनरल बाजवा ने पहचानी है। यहाँ तो ये वाजी हुआ है अमरीका ने गोली मारो, और जी वेस्ट जो है वो तो इस्लामोफोबिक है, और जी इंडिया तो मोदी बैठा है फैशिस्ट बैठा है, और छोड़ो जी जनरल बाजवा ने ये जिसे कहते हैं बर्फ तोड़ी थी उस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल जनवरी में, पिछले साल जनवरी में। तो वो उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुआ? गाली गलोच हुई, सारी फॉरेन पॉलिसी वेंट अप साउथ, खान साहब ने ये भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, एक चीज के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। और बाय द वे इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, ओ भाई इस तरह नॉर्मलाइजेशन होती है? वो तो इल्जाम तुम ला दें थोड़े से ला देंगे, तो मतलब कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? क्या करना चाहते हैं? तिजारत करना चाहते हैं? कहे वी वॉन्ट टू ओपन ट्रेड रिलेशन, नहीं हिम्मत नहीं, टंगा खड़क दिया। तो बात यह है कि ये इट्स नॉट इनफ, जी वी वांट नॉर्मल, वो तो कौन कहता है यू वांट एबनॉर्मल? फिर आप कहते हैं नॉर्मल हम करना चाहते हैं, तो कहते हैं वो नहीं करना चाहते। तो यार ये कोई इससे बड़ी रॉकेट साइंस है ये कहना, ओ हम तो तैयार हैं वो तैयार नहीं, ये तो बात है। मतलब एवरीबडी नोज दिस कि अगर जब कहना हो ना कि हम तैयार, हम जब आप कहते हैं हम तैयार है वो तैयार नहीं, उसका मतलब ये होता है हम भी तैयार नहीं। सो अब बात ये, तो ऑनेस्टली आए आपने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस तरीके से नहीं डिफाइन होती। मुझे याद है जब हमने क्रिकेट बोर्ड पर चला रहा था तो मुझे कहा गया कि जी वो एक पॉलिसी हमें अपना पॉलिसी पेपर बताएं कि ये पीसीबी की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी विजन क्या है। सर पकड़ के बैठ गया, मैं कह यार की है साड़ी स्ट्रेटेजिक विजन, ऐसे पता नहीं असी कल इतने है साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन तो कल इतने है ही नहीं, तो कौन कौन विजन बनाएगा, तो कौन इन्हें इंप्लीमेंट करेगा? जड़ा आंदा और नवी शुरू कर दिंदा ड्रामा। खान साहब ने अपनी टीम भेजी, उन्होंने सारे 40 साल की सारी डेवलपमेंट वो बार फाड़ मारी, और रमीज राजा साहब आ गए ने वो कहते नहीं है नहीं ठीक है नहीं ठीक, कैसी स्ट्रेटेजिक विजन? तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कमेटी मांग रही है जी, वो नेशनल असेंबली की कमेटी मांग रही है, वो जी वो 3 दफा उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक विजन स्ट्रेटेजिक। और मैं कहा यार बना दो कोई कागज, असी कागज बनाता और असी देता हूँ, ओ वेरी गुड वेरी गुड, ना उन्होंने पढ़िया ना असी पढ़िया, मतलब दिस इज हाउ विजन्स आर क्रिएटेड, दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन।
एक्चुअली जो होता है काम करके दिखाते हैं कि हमने ये तीन मोटे काम है ये हमने करने हैं, कागज बनाना, किताब बनाना, ये कि जी क्या हम करेंगे, वो तो सारे मैनिफेस्टोज भरे हुए हैं यार, सारे मैनिफेस्टोज में से एक अंडर ग्रेजुएट बुक है, एक मैनिफेस्टो बना दे, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये बन जाएगी आपकी, जो असली इश्यूज है उसको तो एड्रेस करें कि गुर्बत को कम करने के लिए क्या करेंगे, ये एलीट्स जो है इससे जो कैप्चर किया है रियासत को जिसके अंदर आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी है उनसे कैसे वापस ली जाएगी, आईन का कैसे बहाल किया जाएगा, आप 18th अमेंडमेंट की जो है उसको कैसे एक्सटेंड किया जाएगा, आप यूएनडीपी जेन्युइनली एक फेडरेशन बने, जेन्युइन फेडरेशन बने, एंड डेमोक्रेसी कैसे आएगी, अदलिया का इंसाफ कैसे आएगा, ऐसे मुल्क बनते हैं, रियासत जो है उसके अंदर ट्रस्ट कैसे आएगा, ये सारी चीजें होती हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की। ये क्या बात हुई, और जी पाई वड्डी कर दियो तो आके जोड़ा पहले 40% देने पे बजट दो 40-45 कर दिए। सेठी साहब अभी जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कि कौन कौन से ग्रोह कितने फवायद और टैक्स एग्जेम्पशन लेते हैं। वेल डन जी, बताए ना हमें, हमारा वक्त अब बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये मैंने कहा कि यहाँ पे रोक दिया जाए। बुनियादी जो बात है वो तो यही है कि सारे फवायद जो है बजट में ये जो मराहत याफ्ता तबकात हैं, कारपोरेट सेक्टर, उसके बाद जो फ्यूडल क्लास है, जो सिविल और दूसरी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे पैसे जो है वो लेके जाते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट जो फिगर्स और नाम भी सही ले, पूरे नाम ले। देखिए जी वो तीन बड़े एनुअल सब्सिडीज जो है, सालाना जो सब्सिडीज ये आवाम को दूध पे वो टैक्स एग्जेम्प्ट कर रहे थे जी, शीर माल पे, ब्रेड पे, बच्चों की चीजों पे, ये जी लग्जरीज हैं। एक वो वजीर था जो, चलो ये बताए ना क्या है, कौन कितने पैसे ले जाता है ये जी, कॉर्पोरेट सेक्टर 724 अरब रुपए, ये सब्सिडी है, ये नहीं कि इतना कॉर्पोरेट ये सब्सिडी है, अवाम के पेट में से ये निकाला जा रहा है। 724 अरब रुपए कॉर्पोरेट सेक्टर, जो जमींदार अशराफिया है 370 अरब, मिलिट्री 257 अरब, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, अब ये आप ही बताएंगे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कौन है, 368 अरब। बचा क्या, कोई 2000 अरब के करीब स्कीम ऑफ हो रहा है, ये 2000 अरब मेहरबानी करके आवाम को दे दें, अस्पताल बना दें, स्कूलिंग दे दें उनको, उनको रोटी पानी दे दें, मुलाजमतें दे दें, सारी सिक्योरिटी इस मुल्क की हो जाएगी, सारी अवाम आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, जहां अवाम मुत्तहिद हो वहां आपको कोई ना बंदूकों की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, सारी कौम इज रेडी फॉर एवरी डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी, भूखे मार दोगे तो की करेंगे। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल, असल बात यहीं पर आती है कि माशियात, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, खुशहाली, लाइवलीहुड, माशी तरक्की ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी का जामिन है इस सदी में। चीन को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें, बाकी सब चीजें अब इररिलेवेंट होती जा रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम आज के लिए आपसे इजाजत लें, हेडी साहब, नाजरीन से भी बहुत शुक्रिया, बहुत बात। और जाते जाते इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, वो ट्रक की बत्ती के ऊपर गौर से देखते रहे कि कब वो ऑफ होती, उस वक्त तक पीछे लगे रहे, हॉर्न मारते जाए, हॉर्न मारना बड़ा जरूरी है, ट्रक को पता लगे पीछे आवाम खड़ी। देखिए सेठी साहब, मैंने तो तैयारी की हुई थी सारी आपको पुशबैक देने के लिए, आपने कहा पहले ही जो है ना कूड़ा कर दिया, इसलिए मैंने कहा मैं क्या कहूँ। आई एम अ गुड स्ट्रेटजिस्ट, मैंने मेरी चिड़िया ने खबर दे दी थी कि रजा आजकल तलवार लेके फिर रहा है, मैं पहले न्यूट्रलाइज करूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू साहब, खुदा हाफिज जी, थैंक यू, खुदा हाफिज जी।